मध्य प्रदेश की सरकार गिरने के बाद जब हालात राजस्थान में भी खराब होने लगे तो इसके लिए कांग्रेस ने सबसे पहले ठीकरा विपक्षी पार्टी बीजेपी पर फोड़ा, जबकि बीजेपी ने तो सचिन पायलट को पार्टी में शामिल करने की पहल ही नहीं की। अगर पायलट का मन होता तो वो बीजेपी का दामन थामते, लेकिन पायलट तो पार्टी की तरफ अपनी निष्ठा पर ही कायम रहे, लेकिन फायदा कुछ नहीं मिला। जिस तरह से पायलट घर से बाहर आए थे वैसे ही घर वापस लौट गए हैं। पिछले करीब एक महीने से राजस्थान में जारी सियासी संकट अब शांत होता दिख रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सचिन पायलट को मनाने में तो कामयाब रहे। फिर पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद सुलझाने के लिए एक समिति का भी गठन कर दिया, लेकिन सवाल ये कि क्या फायदा है, सोनिया गांधी के पास विकल्प क्या है। तकरार तो दोनों पक्षों में हुई थी और गजब हुई थी, जहां एक तरफ सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ काम करने से साफ इनकार कर चुके थे तो वहीं अशोक गहलोत पायलट के लिए निकम्मे जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर चुके थे। तो क्या अब घर वापसी के मायने काफी बदल नहीं गए हैं? अब पायलट का भविष्य क्या होने वाला है? इतनी गहमा गहमी के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का रिश्ता, आपसी तालमेल कैसा रहने वाला है? क्या पायलट खुद पर लगे आरोपों का जवाब देंगे? क्या पायलट पहले जितने ही मुखर रहेंगे, या फिर घर वापसी के बाद हमें सचिन पायलट का नया अवतार देखने को मिलेगा? कुल मिलाकर राजस्थान का सियासी भविष्य सिर्फ सचिन की घर वापसी से सुगम और अच्छा हो जाएगा ऐसा नहीं माना जा सकता। यहां एक बात जाननी जरूरी ये भी है कि अगर सचिन घर लौट भी आए हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये पायलट की हार है और गहलोत की जीत है, बल्कि पायलट की घर वापसी काफी सम्मानजनक तरीके से हुई है। सोनिया गांधी का इस पर स्पष्ट संदेश था कि सचिन पायलट को जाने नहीं देना है, और देखिए सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस के ही है। पद को लेकर दोनों कैसे रहेंगे साथ, या फिर कहें कि एक ही म्यान में दो तलवारें कैसे रहेंगी, लेकिन आगामी दिनों में संभव है कि सूबे की कमान सचिन पायलट को दे दी जाए। सचिन पायलट के समर्थक विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने एक बयान में कहा कि ऐसी पूरी संभावनाएं हैं कि सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री पद पर जरूर काबिज होंगे। उसके बाद कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिन महत्वपूर्ण विभागों को गहलोत ने अपने पास और अपने साथियों के पास रखा है, संभव है कि पायलट खेमे के विधायकों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। अब देखते हैं कि क्या होगा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ साथ राजस्थान का भविष्य।